हेलो एवरीवन, आज हम लोग चैप्टर 3 स्टार्ट कर रहे हैं सिविक्स का। व्हाई डू वी नीड अ पार्लियामेंट, हमें पार्लियामेंट की ज़रूरत क्यों है। देखिए, सबसे पहले पार्लियामेंट होती क्या है। हर कंट्री को चलाने के लिए एक गवर्निंग बॉडी होती है। ओके, तो सेंट्रल लेवल पे जो हमारी कंट्री को जो चलाती है, जो गवर्निंग बॉडी, वो कौन होती है? पार्लियामेंट। ओके, तो सेंट्रल लेवल पे पार्लियामेंट होती है जो पूरी कंट्री को गवर्न करती है। जैसे स्टेट लेवल पे अलग होगी, लोकल लेवल पे अलग होगी। ओके, व्हाई शुड पीपल डिसाइडेड। अब देखिए, आपको पता है जैसे कि इंडिया कब इंडिपेंडेंट हुआ था। इंडिया बिकम इंडिपेंडेंट ऑन 15 अगस्त 1947। ओके, बहुत ही स्ट्रगल करा था लोगों ने। जब लोग इंस्पायर्ड हुए थे कि भाई लोगों को फ्रीडम मिल जाएगी, इक्वालिटी मिलेगी, वो डिसीजन में पार्टिसिपेट भी कर पाएंगे, तो लोगों ने काफ़ी स्ट्रगल करा ताकि वो क्या हो पाएँ, इंडिपेंडेंट हो पाएँ। क्योंकि जब कॉलोनियल रूल था हमारे कंट्री पर ब्रिटिशर्स का ही पूरा चलता था, उन्हीं का ही, ठीक है। तो ब्रिटिशर्स गवर्नमेंट बहुत सारे ऐसे डिसीजंस ले लेती थी जो कि हमें सही नहीं लगते थे, बट हम कुछ बोल नहीं पाते थे। क्यों? क्योंकि हम इंडिपेंडेंट थे नहीं, हमारी डिसीजन मेकिंग में कोई भी वैल्यू नहीं थी, हमसे कोई भी डिसीजन नहीं पूछे जाते थे जो वो लेते थे। बट फ्रीडम मूवमेंट ने इस सिचुएशन को चेंज कर दिया। जो नेशनलिस्ट जो थे, अब वो क्रिटिसाइज़ करने लगे ब्रिटिश गवर्नमेंट के डिसीजंस को, और वो डिमांड करने लगे अपनी। ओके, तो 1885 से क्या हुआ, द इंडियन नेशनल कांग्रेस डिमांडेड दैट देयर बी इलेक्टेड मेंबर इन द लेजिस्लेचर। इन्होंने क्या डिमांड करी कि हमारे भी मेंबर्स होने चाहिए, ठीक है, लेजिस्लेचर में। हमें भी हक है कि हम जो बजट आप कर रहे हो उसमें डिस्कशन कर सकें, उसमें हमें जो क्वेश्चन पूछना है हम वो पूछ सकें। ब्रिटिशर्स क्या करते थे, वो अडल्ट्स को अलाउ नहीं करते थे कि अडल्ट्स लोग वोट नहीं दे सकते, ना ही वो डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट कर सकते। बट जैसे ही इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तो हमने क्या देखा, हमने देखा कि सिटीजन्स ऑफ फ्री कंट्री, अब वो अपने डिसीजंस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, डिसीजन ले सकते। अब इंडिपेंडेंट इंडिया है तो ये नहीं कि गवर्नमेंट कुछ भी डिसीजन ले लेगी। गवर्नमेंट जो है, जो लोगों की डिमांड्स होगी, जो लोगों की ज़रूरतें हैं, उनको पूरा करेगी, उनकी चीज़ों को ध्यान रखेगी और उनके हित के लिए ही, ठीक है, उन्हीं के लिए डिसीजंस लेगी। अब कौन सा प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। इसका मतलब क्या है कि जो भी अडल्ट सिटीजन्स हैं कंट्री के, उनको राइट है कि वो क्या दे सकते हैं, वोट कर सकते हैं। देखिए, यहाँ राइट हैंड साइड पे आपको एक फ़ोटो दे रखा है, इसमें बता रखा है द अबव फोटो शो अ वोटिंग वोटर रीडिंग इंस्ट्रक्शन ऑन हाउ टू यूज़ अ ईवीएम। इसमें क्या बता रखा है कि ये जो पर्सन है, ये ईवीएम मशीन की इंस्ट्रक्शंस को पढ़ रहा है। ईवीएम्स पर यूज्ड थ्रू आउट द कंट्री फॉर द फर्स्ट टाइम इन 2004 जनरल इलेक्शंस। ईवीएम का फर्स्ट टाइम कब यूज़ हुआ, 2004 के इलेक्शन में, जब हमने ईवीएम मशीन का यूज़ करा, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का, 2004 में, तो इसने कम से कम 150,000 ट्रीज को सेव करा, विच वुड हैव बीन कट टू प्रोड्यूस अबाउट 8,000 टन्स ऑफ पेपर फॉर प्रिंटिंग द बैलेट पेपर। पहले क्या था, पहले लोग स्लिप पे जो मार्क बने होते थे उस पर मोहर लगा करके तब वो डालते थे, तो वो पेपर्स होते थे। अब क्या, मशीन आ गई, मशीन पे सिंपल आपको प्रेस करना है अपने थंब को, जिसको भी आप सेलेक्ट करना चाहते हो, ठीक है, बस एक क्लिक करना है हमें, तो उसमें पेपर्स की ज़रूरत नहीं है, तो इससे हमारे कितने सारे पेपर बचे। नेक्स्ट इज पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव। अब देखिए, इसमें क्या है, द टेक ऑफ पॉइंट फॉर अ डेमोक्रेसी इज द आइडिया ऑफ कंसेंट। अब आज के टाइम पे क्या है, एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, ठीक है, लोग अपने डिसीजंस खुद ले सकते हैं, तो इसमें क्या है कि लोगों का डिसीजन लेने के लिए लोग क्या करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे। लोग इलेक्शन में क्या कर सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अपना डिसीजन दे सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वो लोग क्या करेंगे, फिर एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को क्रिएट करेंगे जो कि चलाएगी। अब कैसे चलाएगी, अब देखिए, आपने इलेक्शन के टाइम, इलेक्शन चैप्टर में आपने पढ़ा होगा कि इलेक्शंस होते हैं, लोग क्या करते हैं, वोट देते हैं, और जो मेजॉरिटी में होता है वो उनका रिप्रेजेंटेटिव होता है। अब रिप्रेजेंटेटिव मतलब, जैसे कि आपका कोई जो लोगों का जो प्रॉब्लम होता है, वो कोई हर कोई पर्सनली तो जाएगा नहीं बताने के लिए, तो आपका जो रिप्रेजेंटेटिव होगा आपकी साइड का, वो उस बात को जाकर के पार्लियामेंट में रखेगा, जो भी आपकी प्रॉब्लम्स होगी उसको बताएगा। अब आपने जो अपना रिप्रेजेंटेटिव चुना है, ठीक है, वो जो है पार्लियामेंट में जाएगा, पार्लियामेंट में बैठ करके आपकी बात को रखेगा, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ओके, अब देखिए,
पार्लियामेंट में जो भी आपके सारे रिप्रेजेंटेटिव साथ में बैठते हैं, यही सब क्या करते हैं, यही सब सरकार को चलाते हैं, गवर्नमेंट को चलाते हैं। तो एक टाइप से देखा जाए तो जो पब्लिक है वही अपनी गवर्नमेंट को चला रही है, बट किसके थ्रू, अपने रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू। आपकी जो प्रॉब्लम्स होगी आप अपने रिप्रेजेंटेटिव के सामने रखेंगे, वो जाकर के उस चीज़ को पार्लियामेंट में रखेगा, उस बात को कहेगा। रोल ऑफ द पार्लियामेंट, अब देखिए 1947 के बाद इंडियन पार्लियामेंट इज एन एक्सप्रेशन ऑफ फेथ। क्या है एक एक्सप्रेशन, है किसका, फेथ का, सच का, कि पीपल जो हैं इंडिया में वो किस में पार्टिसिपेट हैव इन प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी मतलब अब आप अपने डिसीजंस खुद ले सकते हो, अब आप इंडिपेंडेंट हो, ओके। अब इसमें डिसीजन मेकिंग की प्रोसेस में भी कौन पार्टिसिपेट कर रहा है, पीपल पार्टिसिपेट कर रहा है इनडायरेक्टली। क्यों, क्योंकि पीपल्स ने इलेक्शन दिए हैं और उन्होंने खुद ने ही उस रिप्रेजेंटेटिव को चुना है, ठीक है। हमारी पार्लियामेंट के सिस्टम में ही सबसे ज़्यादा पावर होती है, क्यों, क्योंकि ये जो बनती है वो पीपल्स के रिप्रेजेंटेटिव से ही बनती है। जैसे आपके लेजिस्लेचर, स्टेट लेजिस्लेचर में जैसे आपके इलेक्शंस होते हैं, उसी तरीके से आपके पार्लियामेंट में भी इलेक्शन होते हैं। लोकसभा के यूजुअली इलेक्शन जो होते हैं वो एक बार होते हैं 5 साल में। अब देखिए, द कंट्री इज डिवाइडेड इनटू न्यूमरियस कॉन्स्टिट्यूएंसीज एज शोन इन द मैप ऑन पेज 41। आपको जो कंट्री है हमारी इंडिया, उसको 41 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, सॉरी, उसको डिवाइड करा है न्यूमरियस मतलब बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, जो कि आपको मैप में दे रखी है पेज नंबर 41 पे। हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से हम एक पर्सन को चुनेंगे जो कि किसको रिप्रेजेंट करेगा, आप किस, आप जिसको भी चुनोगे वो पार्लियामेंट का मेंबर बन जाएगा। जो हम कैंडिडेट्स जो होते हैं ये अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज से होते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज लाइक बीजेपी, कांग्रेस। देखिए ये आपको मैप दे रखा है, ओके, इसमें जनरल की बता रखी है कितनी सीट्स हैं, एससी की कितनी हैं और एसटी की कितनी। अब देखिए आपको ये दे रखा है रिजल्ट ऑफ 17th लोकसभा इलेक्शन, जो मई 19, 2019 में जो लोकसभा के इलेक्शंस हुए थे, ये आपको इसके रिजल्ट बता रखे हैं। जैसे बीजेपी के कितने नंबर ऑफ एमपीज हैं, 303, इंडियन नेशनल कांग्रेस के कितने हैं, 52, ऐसे करके ये अलग अलग आपके इसके एमपीज बता रखे हैं, टोटल कितने हैं, 540। अब हर एक जो कैंडिडेट होता है वो क्या बन जाता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मतलब एमपीस, और ये जो एमपी है ये सब मिलकर के क्या बनाते हैं, एक पार्लियामेंट। अब एक बार इलेक्शन पार्लियामेंट के हो जाते हैं, उसके बाद पार्लियामेंट के भी कुछ फंक्शंस होते हैं जो कि इसको करने होते हैं। ए क्या है, टू सेलेक्ट द नेशनल गवर्नमेंट। अब देखो इंडिया की पार्लियामेंट में क्या क्या होता है, प्रेसिडेंट होता है, राज्यसभा होती है, लोकसभा होती है। अब देखिए जब लोकसभा के इलेक्शंस हो जाते हैं तो एक लिस्ट प्रिपेयर की जाती है जो कि शो करती है कि कितने एमपीज हैं और हर एक एमपी कितनी मतलब कौन सी पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करता है। जैसे कितने एमपी हैं, जैसे आपके 200 एमपीज हैं जो कि आपकी बीजेपी से बिलोंग करते हैं, 100 एमपी हैं जो कि कांग्रेस से बिलोंग करते हैं, ऐसे करके आप लिख देंगे। अब जो पॉलिटिकल पार्टी जो फॉर्म होगी, फॉर अ पॉलिटिकल पार्टी टू फॉर्म द गवर्नमेंट, ठीक है, गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए, वो उस पार्टी की होगी जिसके सबसे ज़्यादा एमपीज होंगे। अब देखिए जैसे कि हमने जो देखा था, मैं आपको दिखा दी, जैसे अगर हम इस चार्ट में देखें तो बीजेपी के सबसे ज़्यादा हैं एमपीज, तो गवर्नमेंट किसकी फॉर्म होगी, बीजेपी से ही फॉर्म होगी। क्यों, क्योंकि बाकी सबके क्या हैं, बाकी सबके कम हैं, तो जिसके सबसे ज़्यादा एमपीज होंगे गवर्नमेंट उसी की ही बनेगी, मतलब बीजेपी की ही बनेगी। सिंस देयर आर 543 इलेक्टेड, कितने मेंबर्स होते हैं, 543, जिसमें दो और होते हैं मतलब टोटल 545 हो जाएगा, प्लस टू एंग्लो इंडियंस नॉमिनेटेड, ओके। मेंबर्स इन लोकसभा टू हैव अ मेजोरिटी, अ पार्टी, जैसे मैंने आपको बताया कि जो मेजोरिटी में होगा उसी के बनेंगे, ठीक है। मेजोरिटी में मतलब कितना, कम से कम उनके 272 से, मतलब 272 क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, 272 से क्या होने चाहिए, ज़्यादा मेंबर्स होने चाहिए। जैसे हमारे मेंबर्स अभी जो हमने बीजेपी का देखा था उसका 300 प्लस था, मतलब 272 से ज़्यादा था, ठीक है। अब जो अपोजिशन में जो होगी पार्लियामेंट की, द अपोजिशन इन पार्लियामेंट इज़ फॉर्म्ड बाय ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज, वो पॉलिटिकल पार्टीज जो कि अपोज में होंगी मेजोरिटी पार्टी के। जैसे बीजेपी जीती, अब कांग्रेस बीजेपी को पसंद नहीं करती, ठीक है, तो कांग्रेस क्या हो जाएगी, उसकी अपोजिशन पार्टी। अब सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन क्या है लोकसभा का, कि वो क्या सेलेक्ट करती है, एग्जीक्यूटिव को। एग्जीक्यूटिव मतलब हमने चैप्टर फर्स्ट में उसको पढ़ा है,
वो पर्सन जो कि साथ में काम करते हैं और किसको इम्प्लीमेंट करते हैं, मतलब लॉ को, जो कि कौन बनाती है, पार्लियामेंट बनाती है, जो भी कानून पार्लियामेंट बनाती है लॉ को उसको वो क्या करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं, मतलब लागू करते हैं। अब देखिए, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज़ द लीडर ऑफ द रूलिंग पार्टी इन द लोकसभा। जैसे मैंने आपको बताया बीजेपी थी जो मेजोरिटी में थी वो बन गई, अब जो पीएम बनेगा वो उसी पार्टी से बनेगा। जैसे इस टाइम पे कौन है, हमारे नरेंद्र मोदी जी बीजेपी से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो फ्रॉम द एमपीज हु बिलोंग टू हर पार्टी, मतलब उसी पार्टी से होने चाहिए। अब जो पीएम जो होंगे वो सेलेक्ट करेंगे मिनिस्टर्स को जो कि उनके साथ काम करने में और डिसीजन लेने में हेल्प करेंगे। जैसे हमारे मिनिस्टर्स होते हैं, एजुकेशन मिनिस्टर होते हैं, हेल्थ मिनिस्टर होते हैं, ऐसे अलग अलग मिनिस्टर्स को वो सेलेक्ट करेंगे अपनी पार्टी में से, ठीक है। तो ये सब अपना चार्ज ले लेंगे और फिर अपना काम करना स्टार्ट करेंगे। अब देखिए, पास्ट के टाइम पे क्या था कि डिफ़िकल्ट क्या था, फॉर अ सिंगल पॉलिटिकल पार्टी टू गेट द मेजोरिटी दैट इज़ रिक्वायर्ड टू फॉर्म द गवर्नमेंट। मतलब हमारे को कितना वोट चाहिए था, बिल्कुल हाफ चाहिए था, लाइक 272 वोट्स होने चाहिए टोटल। अब सबके किसी के बनी नहीं रहे 272, तो भाई किसकी गवर्नमेंट फॉर्म होगी। तो क्या होता है, जैसे दो पार्टीज़ हैं, ठीक है, तो दोनों क्या हो गई, मर्ज हो गई, दोनों मिल गई, उन्होंने कहा हम दोनों मिल के एक बना ले रहे हैं। जैसे किसी के तो 200 थे और नंबर ऑफ मेंबर्स, और किसी के 100 थे, दोनों मिल गए तो दोनों के कितने हो गए, 300। वो दोनों मिल गई, उन दोनों का सेम इंटरेस्ट, तो इसको हम क्या बोलते हैं, कॉलिएशन गवर्नमेंट, जहाँ पे दो अलग अलग पार्टी मिलकर के एक हो जाती है और वो फिर मेजोरिटी में आ जाती है। जैसे मैंने आपको बताया उनके 200 MPs हुए, उनके 100 MPs हुए, दोनों मिलकर के कितने हो गए, 300। वो सबसे हाईएस्ट मेजोरिटी में आ गई और वो दोनों मिलकर के एक हो गई, कॉलिएशन गवर्नमेंट हो गई और वही उनकी सरकार बन गई। अब राज्यसभा का फंक्शन क्या होता है, ये रिप्रेजेंटेटिव होती है किसकी, ऑफ द स्टेट ऑफ इंडिया, ठीक है, स्टेट की पार्लियामेंट में। राज्यसभा जो है वो कोई भी इनिशिएट कर सकता है लेजिस्लेशन और बिल, ठीक है। और अगर राज्यसभा आपका, अगर राज्यसभा से कोई भी बिल पास होता है, ठीक है, कोई भी लॉ बनने का ऑर्डर दिया जाता है, तो उसे लोकसभा भी क्या करेगी, देख सकती है। अगर उसको कुछ चेंजेस करने हो, उसको ऑल्टर करना हो, तो वो उसमें ऑल्टरेशन भी कर सकती है। जो मेंबर्स जो होंगे राज्यसभा के, वो कौन इलेक्ट करेगा, जो मेंबर्स जो होंगे लेजिस्लेटिव असेंबली के, जो अलग अलग स्टेट के हैं, वो इलेक्ट कर सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, देयर आर 233 इलेक्टेड मेंबर्स। इसमें कितने होते हैं, 233 इलेक्टेड मेंबर्स प्लस 12 मेंबर्स जिसको कौन नॉमिनेट करता है, प्रेसिडेंट, ओके, ठीक है। तो राज्यसभा के जो इलेक्शंस होते हैं, इसमें डायरेक्टली लोग नहीं करते हैं, स्टेट की जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज होती हैं वो करती हैं। मतलब हमारे जो मेंबर्स चूज़ करे हुए हैं लेजिस्लेटिव असेंबली में, वो फिर चूज़ करते हैं राज्यसभा के मेंबर्स। तो हमने पढ़ लिया कि 233 इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं और 12 मेंबर्स वो होते हैं जिनको प्रेसिडेंट चूज़ करते हैं, नॉमिनेट करते हैं। तो आज हम इस चैप्टर में यहीं तक पढ़ेंगे, नेक्स्ट चैप्टर जो आगे का है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।